प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अ सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मणिपुर पे जो हुआ वो एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, जहां पे अमेरिका की बहुत ही बहुचर्चित सिंगर मैरी मिलबर्न, जिन्हें अभी हाल ही में हमने देखा था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमेरिका दौरा था वहां पे उन्होंने भारत का राष्ट्रगान गाया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस सिंगर हैं, अब वो भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के सपोर्ट में आ गई हैं और उन्होंने ये कहा है कि भारत के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर है तो वो मणिपुर को हैंडल कर लेंगे। तो आज इसी मुद्दे पे हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान जी का रिएक्शन और वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद जय भारत। मैरी मिलबर्न एक यूएस की सिंगर जिन्होंने रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जाना जाना माना भी पड़ा और उनके पांव भी छुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों के साथ मोदी है जो हर हाल में आप लोगों का साथ देने वाला है। तो ये हम देखते हैं कि इंडिया का इंटरनल मैटर था, लेकिन फिर भी यूएस के सिंगर ने बड़ा अपना बीच में इंटरेस्ट शो किया है और भाई बोला है कि आप लोग फिक्र मत करो, आप लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी हैं। क्या बोलेंगी? सबसे पहले तो मैं कहूँ कि हमारा इंटरनल मैटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान तो अपनी टांग घुसा ही देता है। लेकिन उन पाकिस्तान जो अपनी टांग घुसाता है वो बड़े ही बिटर अंदाज में और बड़े ही सांप और जहर के अंदाज में एंटर करता है, पर बाकी देशों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री का की जो छवि है वो इतनी खूबसूरत है और इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि लोग खुद ही समझ जाते हैं कि अगर कोई विपद या कोई ऐसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स भारत में हो रहे हैं तो डेफिनेटली भारत के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं और इतने कैपेबल हैं, इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो अपने देश की हिफाजत खुद कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि मैरी मिलबर्न ने इतना बड़ा दावा और इतनी बड़ी बात यूएस से बैठे बैठे, जिस जो इतनी मशहूर सिंगर है जिन्होंने राष्ट्र संगीत पढ़ा था गाया था, जिन्होंने मोदी जी के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया था और ये सारे चीजों के बाद जब वो बाहर निकली थी तो उन्होंने यूएस में यूएस के बहुत बड़े पत्रकार को उन्होंने रिप्लाई दिया था कि बहुत ही क्लासी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी है और वो इस राष्ट्र संगीत को गा करके वो अपने आप को बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही महान समझ रही है, बहुत अच्छा समझ रही है। तो देखिए यूएस के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पाकिस्तान की तरह जाहिल जपट और मतलब उल्टी खोपड़ी के लोग नहीं होते हैं। आज मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने में मणिपुर की घटना चल रही होगी, लेकिन हर कोना ये कह रहा है कि जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला गया है, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के साथ मणिपुर को बैलेंस किया गया है, जिस हिसाब से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी काम की जा रही है मणिपुर में, वो अपने आप में तारीफ है, अपने आप में तारीफ है। और जब अपोजिशन ने, हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर्स ने मोदी जी को टारगेट करने की कोशिश की थी तो हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साफ लफ्जों में कहा था कि हम छोटी चर्चा या बड़ी चर्चा दोनों के लिए तैयार हैं और जो जो अपोजिशन के जो नेता हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर जो बातें करना चाहते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए निम्रा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने हिंदुस्तान की तारीफ की है, बल्कि मैंने आगे बढ़ करके उन हादसों को भी बताया है जो शायद आप लोगों के नजर में कभी आया भी नहीं होगा। तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बता सकते हैं ताकि लोग उससे अवेयर हो सके। मणिपुर के वॉयलेंस बिल्कुल शर्मनाक हरकत हुई है, बहुत गंदी हरकत हुई है, जिसको महिला होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और मैं तो कहूंगी कि अगर मैं कानून के बैरिकेड में नहीं होती और मैं संविधान की किताब से लोगों को इंसाफ ना दिला रही होती तो मैं आज के आज उन तमाम लड़कों को, उन तमाम पुरुषों को मैं फांसी चढ़ा देती बीच चौराहे पर क्योंकि मेरे हाथ में संविधान की किताब है और उस संविधान की किताब से मैंने हजारों लोगों को इंसाफ दिलाया है और हजारों लोग जो क्राइम किए हैं उनको जेल की सलाखों के अंदर डाला है। तो इसलिए उस चीज के मर्यादा के अंदर रह करके मणिपुर के वॉयलेंस को हमको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। चर्चा वहां होती है जब सामने वाला चर्चा करना चाहे। अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करना नहीं चाह रहा था,
क्यों नहीं चाह रहा था, क्योंकि उनके पास तर्क और वितर्क करने के लिए कोई रीजन ही नहीं था। मणिपुर में जो शेमफुल इंसिडेंट हुआ था उस पर एफआईआर लॉन्च हुआ, बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुआ। 6,500 एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 0 एफआईआर के बारे में भी परमिशन दे दिया कि इस चीज को जितनी जल्द लॉ एंड ऑर्डर के बैरिकेड में हैंडल किया जाए, अदरवाइज मैं इसमें बहुत इंटरवीन करूंगा और मैं इसको डायरेक्ट देखूंगा। उसके बाद 27 जुलाई को सीबीआई प्रोब दे दिया गया। 11 बड़े केसेस मणिपुर में जो हादसे हुए थे उसके 11 हाईलाइटेड केसेस को ऑलरेडी सीबीआई 50% इंक्वायरी कंप्लीट कर चुका है। हमारी सुरक्षा एजेंसी, भारत की सेना, आर्मी ऑफिसर, सीआईएसएफ की सेना सारी वहां पर मौजूद है। इवन जीरो ग्राउंड पर गवर्नर जो है वो हर रोज जाकर हर घरों में मिलती है। हमारे जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश और कोशिश से बाहर की जो कोशिश होती है वो भी लगाएंगे, पर जिस किसी ने भी ये शर्मनाक हरकत की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी। इसके लिए एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर मैं गुहार लगाऊंगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मणिपुर का कोर्ट हो। तो जब सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, कई अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब इसके बाद अपोजिशन लीडर के पास तो कुछ बचा नहीं है ना, कुछ तो बचा नहीं है। अब मैं निम्रा आपको बताऊंगी कि क्या डायबॉलिक माइंड गेम और खेला गया था। देखिए, कुछ सरकारें ऐसी बनती हैं जो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करती हैं, राष्ट्र के सक्सेस के लिए काम करती हैं। कुछ सरकारें ऐसी बनती हैं जो राष्ट्र को बहुत बहुत एक ऐसी दिशा पर ले जाने के लिए काम करती हैं जिससे पूरी दुनिया में राष्ट्र का बहुत बड़ा नाम होता है। और कुछ ऐसे लोग अपोजिशन में होते हैं जो सिर्फ वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं और गद्दी बचाने के लिए अपनी राजनीति करते हैं। आज राहुल गांधी जी पिछले 2 दिन से कभी वो आंख मारते हैं पार्लियामेंट में, कभी मोदी जी को जाकर गले लगा लेते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। देखिए, हम में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि नेहरू जी को हमने देखा था फॉरेनर अंग्रेज औरतों के सिगरेट को जलाते हुए लाइटर से, हमने देखा था कमर पे हाथ डालकर खड़े हुए, हमने देखा था कंधे पे हाथ डालकर खड़े हुए नेहरू चाचा जी को, तो और उनकी उनकी जो मदर है वो इटली की है। तो ये जो सिनारियो है घर का, तो अपब्रिंगिंग भी तो आंख मारने और फ्लाइंग किस करने वाली ही होगी ना, इससे बेटर तो कोई अपब्रिंगिंग हो नहीं सकती है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो शिव का नील कंठ रखा हुआ है और अपोजिशन के सारे कड़वे बात और हिंदुस्तान में रह रहे टेररिज्म माइंडेड मुसलमान के सारे कड़वे बातों को शिव भगवान की तरह अपने नील कंठ में ले रहे हैं, वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन लक्ष्य एक है, फोकस एक है और एक ही मार्गदर्शक है कि हमें अपने हिंदुस्तान को आने वाले थर्ड टर्म में इकोनॉमिक्स में थर्ड पोजीशन पर लेकर के जाना है, और उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन का लास्ट डे था। आज गृह मंत्री ने हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साफ लफ्जों में बहुत सारे सेक्शंस को अमेंड किया, जिस बलात्कार 376D की जो सजा 12 साल थी उसको 20 साल में कन्वर्ट कर दी, मॉलेस्टेशन की जो सजा 7 साल 8 साल थी उसमें उसको नॉन वेलेबल सेक्शन बनाया, ईव टीजिंग की सजा निर्भया एक्ट के हिसाब से उन्होंने उसको और स्ट्रॉन्ग किया, आंख मारना, सीटी बजाना, लड़कियों को देख करके फ्लाइंग किस करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, महिलाओं का के साथ स्नैचिंग, उनका चेन छीन लेना या उनके मोबाइल छीन लेने, ऐसे ऐसे छोटे से छोटे और बड़े बड़े इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस को, आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस को आज गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर के साफ लफ्जों में पूरे एमओयू के साथ उन्होंने सामने रखा है और उसको और भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट करने का उन्होंने अमेंड किया है।
तो देखिए जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतनी ज्यादा काम हो रही हो, जिस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जा रहा हो, जिस हिंदुस्तान देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, जिस हिंदुस्तान देश में देवियों के चरणों पर फूल दिया जाता है, जिस हिंदुस्तान के देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, जिस हिंदुस्तान देश में कल से जल नल से जल निकालने की संभावना पैदा की जाती है और करोड़ों ग्रामों में नल से जल निकाला जाता है ताकि हमारी माँ बहनों को सर पे मटका लेकर के खेतों के बीच में ना जाना पड़े, जिस हिंदुस्तान देश में उज्ज्वला योजना किया जाता है कि हमारी माँ बहनों के आंख और स्किन खराब ना हो और वो कोयले और गोयठे में खाना ना बना करके वो गैस चूल्हे में खाना बनाए, जिस हिंदुस्तान में मुद्रा योजना के तहत हमारे हिंदुस्तान की माता बहनों को सशक्त किया जाता है और अपने कारोबार को की फैसिलिटीज दी जाती है, जिस हिंदुस्तान के देश में हमारी बेटियों को अग्निवीर के योजना में इंक्लूड किया जाता है, जिस हिंदुस्तान देश में ऐसे ऐसे एडुकेशन को लेकर के काम किए जा रहे हैं कि अगर गरीब से गरीब की बेटी भी चाहे तो वो इंजीनियर डॉक्टर आईपीएस ऑफिसर जज मैजिस्ट्रेट की पढ़ाई पढ़ सकती है और सरकार उसकी पूरी मदद करेगा। तो एक ऐसा हिंदुस्तान देश जहां पर महिलाओं के लिए पहली बार 9 साल में काम हो रहा है, पहली बार विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के नाजिया इलाही खान को ये योजना नहीं देंगे और सीता और गीता को हम ये योजना देंगे, नहीं है ऐसा। पहली बार कहा जा रहा है कि मेरी नजर में नाजिया इलाही खान भी मेरी बेटी है और सीता भी मेरी बेटी है और गीता भी मेरी बेटी है और रीटा भी मेरी बेटी है। दिस इज आवर इंडिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खान जी अपनी बुलंद आवाज और अपने बेबाक अंदाज से ही जवाब देती हैं। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार निमर अहमद के सवाल का बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया और जो भी उन्होंने इस पूरे मुद्दे के बारे में और भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में कहा उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आपका क्या सोचना है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।